राजगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन ने सभी तरीकों के समूह आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा रविवार को लॉकडाउन लगने का भी फैसला लिया गया है। कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजगढ़ में भी प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। हालात ये है कि प्रदेश के बड़े शहरों की तर्ज पर अब जिले में रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। ये निर्णय जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिया गया। इस बैठक में राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलवर यादव, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत गुर्जर और पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार शामिल हुए। बैठक के बाद सभी लोगों ने मृदुभाषी से चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। आज राजगढ़ जिला आपदा राहत समिति की बैठक थी, अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पूरे देश और पूरे प्रदेश और राजगढ़ जिला भी महामारी की चपेट में है। कोरोना का लगातार यहाँ ग्राफ बढ़ रहा है और जैसा जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी है, पिछले वर्ष इस माह में जो ग्राफ था उससे 4 गुना ग्राफ इस समय राजगढ़ जिले में आ रहा है। लगभग 20 से 35% पर डे आ रहे हैं और एवरेज 14 से 16% पहुँच रहा है मामला जो ट्रेसिंग हो रही है उसमें। निश्चित रूप से ये भयावह स्थिति है, जिले को उसमें बचाना जरूरी है। सभी जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारी कर्मचारियों ने एक मत से निर्णय लिया कि राजगढ़ जिले को व्यापक तौर पर अभियान चलाया जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइज किया जाए, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, हाट बाजार भी सीमित लगे, रविवार के दिन लॉकडाउन रहे, सर्वसम्मत निर्णय का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और प्रकार की जो भी सावधानियां हैं, सभी प्रकार के प्रतिबंध जैसे कि सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों पर जो है कोई बड़ी गतिविधि नहीं होगी बिना सरकार की अनुमति के। और गांव-गांव में इस प्रकार के लिए शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, इसको भी नियंत्रित किया जाए। आज राजगढ़ जिले में आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सब जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और सामूहिक रूप से हम सब ने ये निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम सब अक्सर सा पालन करेंगे। कोरोना की जो सेकंड लहर है ये बहुत ही भयानक लहर है, इसका जो परिणाम आ रहा है अभी वर्तमान में पिछली बार से 4 गुना है। इसलिए हम सब लोगों को इतना ही ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा और लोगों को जागृत करना पड़ेगा। इस बीमारी में हमारे पास रक्षा करने के लिए हमारे पास जो साधन है उन पर ही हम उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम सबको करना चाहिए। मास्क लगाना सबको जरूरी है, 2 गज की दूरी बनाना है, सामाजिक दूरी बनाना है, सारे आंकड़े सारी जानकारियां प्रशासन द्वारा हम लोगों को दी गई है और उसमें कोरोना इस समय बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, इस बात को लेकर के काफ़ी निर्णय भी यहाँ किए हैं। मैं इस अवसर पर जनता से ये अपील करना चाहूँगा मेरी ओर से कि हम लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक घूमें नहीं, भीड़ भाड़ में जाएँ। और आज जो हमारी समिति निर्णय में जानकारी आई है वो ये है कि राजनीतिक सामाजिक या धार्मिक इस तरह के आयोजन भी अब बड़ी संख्या में नहीं होंगे। पूरे जिले में प्रतिबंध लगाया गया प्रशासन की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से, इसलिए बड़े आयोजन की लोग ना करें, उनसे बचें। मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार गृह विभाग के माननीय कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया हमारी महामारी कोरोना से कैसे बचा जाए। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ, 2 गज दूरी मास्क से जरूरी, ये जरूर आप गाइडलाइन का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचे, अनावश्यक हाट बाजार में जाने से बचे। अगर जरूरी काम हो तो हाट बाजार में जा, जरूरी काम हो रिश्तेदारी में जा, अन्यथा नहीं जा, अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, खुद को बचा, खुद के परिवार को बचा, अपने रिश्तेदार को बचा, अपने देश को बचा, अपने प्रदेश को बचा, अपने जिला को बचा। आपको बता दें कि अगर संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होती है तो आने वाले दिनों में कई कड़े कदम प्रशासन उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, राजगढ़। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।
है।